आपने किस तरह से काम करता है। तो ये तो रहा इसका काम। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा ये। आप तो आप ये देख सकते हैं, ये अपना काम कर रहा है। ये देखिए, हाँ भाई, YouTube की फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग। आज ये वीडियो थोड़ा ख़ास है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोजिंग डिस्पेंसर के बारे में। ये मेरे को आया है जेडएक्स मलिक से। तो थैंक्स टू जेडएक्स मलिक और उनकी टीम कि आपके थ्रू मेरे पास ये आया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह से पैकिंग में आता है कूरियर में। तो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इनकी दूंगा, रोजिंग डिस्पेंसर, और एक अपना रिव्यू दूंगा कि आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक मेरे पास अभी हैंडसेट भी है जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ अभी प्रैक्टिकली, और इस समय मैं अपनी लैब में हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और होपफुली आप इसको जानते हो और आपने इस पर बहुत वीडियो देखे हो। तो ये देखिए हमारी नज़र से कि क्या ये वाकई में एक टेक्नीशियन की नज़र से एक अच्छा प्रोडक्ट है और किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट को, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवतन अग्रवाल और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं या आप ऑलरेडी आ चुके हैं तो आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया हो और इस वीडियो को देखने के बाद ही लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है और हमारे प्रीवियस वीडियो काफ़ी अच्छे हैं, आपको नॉलेज देते हैं, तो आप तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट है, मैंने इसके साथ में कुछ आईसियाँ भी बुलवाई थी दोस्तों। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जैसे ये PMI 8916 वीवो के हैंडसेट में आ रही है। ये इसका वर्ज़न है 001। ये PMI 8916 बहुत पुरानी है। आपने सोचा होगा कि यार ये तो बहुत Redmi 2 के ज़माने पे नहीं, पर ये वर्ज़न की न्यू लेटेस्ट आईसी है, न्यू बोलते हैं इसको, डबल ए। और यहाँ पर ये है 6353V, ये भी ओप्पो के हैंडसेट में आ रही है। ये भी ओप्पो के हैंडसेट में ही लगी है। अभी मेरे को ओप्पो का हैंडसेट है तो उसमें मुझे ये करना है। मेरे ख्याल से ओप्पो का Y66 है। और यहाँ पर ये जो आईसी है 6353V, ये भी मुझे एक ओप्पो के सेट में लगानी है इसको, तो जहाँ पावर आईसी का दिक्कत जा रही है। और ये है 6250 PM, और एक हमने PM बुलाई है, PM 632902 वर्जन, एक्चुअली PMI है, ठीक है। तो इसको अभी फ़िलहाल हम डाल देते हैं अपने ICs के डिब्बे में। ये हमारी ICs का कॉन्टेन है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा बहुत सारी ICs आपको, क्यों स्टूडेंट को पर्टिकुलरली जो सेट स्टूडेंट लाते हैं तो हम उनसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं अपने फॉल्टी साइट के लिए और जो उनसे बनवाते हैं और जो उनके सामने प्रैक्टिकली बनाते हैं। अगर हम उसमें आईसी चेंज करते हैं तो हम उनसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं और ये हम अपनी तरफ से ही करके देते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को चार्ज करते हैं, स्टूडेंट का फ़ोन बनाना, 1000-2000 रुपये ले लिए या फिर आईसी लगा दी तो पैसे ले लिए। बिल्कुल क्यों पैसे लेना है जब स्टूडेंट ऑलरेडी आपको एक अच्छी फ़ीस देकर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उनको ये एडवांटेज देना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो चलिए देखिए दोस्तों, आईएस के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग मैं आपको यहां करता हूं। तो इस प्रोडक्ट में यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं सबसे पहले बताऊं कि इस तरह का आपको पैक मिलेगा जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है हाथ में पकड़ने पर। और अगर ऐसा मान लो किसी के पकड़े हैं सामने तो ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार का छोटा सा गॉगल है या किसी प्रकार का पैन इसके अंदर है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी का एक आपको पाउच जैसा आपको यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि इसमें मैं रखूँगा नहीं, और कोई भी टेक्नीशियन शायद ही रखे। और ये क्योंकि आप देख सकते हैं टेक्नीशियन एक बार जब काम करते हैं तो उनकी चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती हैं। इसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, बस आपके सामने खोल रहा हूँ। तो ये इस तरह का आपको पैन देखने को मिलेगा, यह है डिस्पेंसर पैन, ये इसकी कैप है।
ये इसका एक तरह से आप बोल सकते हैं आउटपुट सोर्स है, जहाँ से जो आपका रोजिंग का जो धुआं है वो यहाँ से निकलेगा। तो बाकी में तो दोस्तों हम इसको देखेंगे क्या क्या ये अच्छे लेवल पे रोजिंग डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, क्या पता इसको डालने में भी टाइम लग रहा है कहीं, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि रोजिंग डालते समय पंखा या फ़ैन या जो एसी होता है वो बंद करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की एयर जो आती है उस वजह से वो रोजिंग सही तरीके से वो पीसीबी पर फैलता नहीं है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं इसके अंदर का मैकेनिज्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक हीट एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आप टोस्टर और आप हीटर में देखते होंगे, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको एक 5 पिन यूनिवर्सल USB यहाँ पर दिया हुआ है इसको चार्ज करने के लिए। इस पर थोड़ा सा ये हैवी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्वियस है कि एक लिथियम एक बैटरी यहाँ पर इंसर्ट की होगी, हालाँकि मैंने इसको खोल के देखा नहीं है और हो सकता है एक सेल भी हो, बट ठीक है। तो ये इस प्रकार का डिवाइस है। अब इसको यूज़ करना होता है तो किस तरह से यूज़ करें, तो इसको ना ये जो ऊपर की कैप है ये देखिए, ये आपको लालटेन जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये आपको निकाल देना है। और अब एक्चुअल में देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह का हीट एलिमेंट होता है जो बटन दबाने पर हीट होता है। अब इसके ऊपर अगर आप किसी भी प्रकार का रोजिंग का, ये देखो ये आपके रोजिंग का एक टुकड़ा है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर रखता हूँ इसको, और अब इसको देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये अपना काम कर रहा है, तो आप ये देख सकते हैं ये अपना काम कर रहा है, ये देखिए। तो बस इसको ऊपर डाल के ये जो लालटेन जैसा है इसके ऊपर ये लगा देंगे हम, और इसके ऊपर फाइनली एक कैप लगा देंगे, और अब यहाँ से इस बटन को दबाएंगे तो हमें यहाँ से आउटपुट मिलना चाहिए जो कि कुछ इस तरह का होगा, ये देखिए। चलिए दोस्तों इसको यूज़ करते हैं और यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह का काम कर रहा है, और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर क्लीनर के लिए, अगर मान लो रोजिन के आपको कुछ फंस गया तो ये निकालने के लिए है, और ये ब्रश दिया हुआ है अंदर क्लीन करने के लिए, और एक चार्जिंग आपको केबल दी हुई है USB चार्जिंग केबल। तो आइए इसको चेक करते हैं क्या ये कितना अच्छा है कितना नहीं। मेरे पास में सैमसंग का A50 है, और देखते हैं कि ये एक कूरियर में आया हुआ है हमको, यहाँ इसकी पावर AC है, तो देखिए कि कितना अच्छा यहाँ से काम करता है। तो आप देख सकते हैं ये, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। हाँ
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से काम करता है। तो ये तो रहा इसका काम। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा ये आप परचेस मत कीजिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से उतना बेटर नहीं है जितना बेटर ये मैंने सोचा था। बहुत सारे इसमें कॉन्स हैं जो हम हाथों से जो हम करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बट ये है कि वो प्रॉपर वे में और 100% उसकी जो एक्चुअल जो हमें धुआँ जो जिस तरह से उस पर बिछ जाती है, एक वाइट कलर की एक चादर समझो, एक परत बिछ जाती है, वो इससे है ना 100% नहीं बिछ पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स है इसका। और क्योंकि ये इसको मैंने आपके सामने ट्राई किया और मैंने इसको और पहले भी इसको चला चुका हूँ, तो जो टेक्नीशियन सोच रहे हैं यार इसके बिना काम नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये इसके बिना ही काम होगा, ये परचेस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरा रिव्यू है, बाकी आपके आपको अगर इसको परचेस करना है तो 500 600 700 जितने का रुपए का भी ये है, ये आप इसको परचेस कर सकते हैं। पर ये महंगा भी है बेमतलब का, और जब नॉर्मली हो रहा है काम तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट ऑफ मनी है। तो प्लीज़ इसको परचेस मत कीजिए, क्योंकि जितना भी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, तो इसका ये जो, जबकि मैं ओरिजिनल रोजिन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके जो जिस तरह का इसका धुआं निकल रहा है उसमें दम नहीं है, और हर तरीके से मैंने इसको यूज़ कर लिया है। ये मेरा एक रिव्यू है, बाकी आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो ZX Malik का नंबर मैंने दिया हुआ, आप इस पर परचेस कर सकते हैं, पर मेरे लिए ये बेकार है।